हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हो, यार होने भी चाहिए। सर कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? भाई उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सर देख सकते हो आज की ब्लॉग मेरी सुबह सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग के टाइम कुछ इस जगह से शुरू कर रहा हूँ। ये है गाइस साक्षी जमशेदपुर मानगो के पुल के ऊपर से मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्या ही बोलूँ। इतना सुबह सुबह बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। पहुँच चुके कुछ इस तरह की लोकेशन पे। एंड गाइस मेरा ना सेटअप का ना हाल बहुत खराब, क्या ही बोलूँ। कभी कुछ तो कुछ ना कुछ खराबी हो दिख रही जा दिखती ही जा रही है। कभी कुछ काम कर रहा, कभी नहीं कर रहा। बाकी मेरा वीडियो एंगल तो पूरा खराब ही है शुरू से। यार ये टकरा गया। ओए ओए आराम से यार। सुबह सुबह पंगे हो गए। मैं बात कर रहा था सेटअप की तो बहुत ख़राब हाल हो चुकी है, क्या ही बोलूँ। भाई सारा सेटअप मेरे को ना चेंज करना होगा एंड करेंगे धीरे धीरे। गाड़ी की भी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, इसको भी बनाना होगा। भाई सबसे पहले ना मेरे ये वाला एस्केलेटर का जो ख़राब हुआ है ना, इसको पहले चेंज करवाना होगा। गाइस ठंड ना नेक्स्ट लेवल वाली जा रही है, अभी बड़ा खतरनाक ठंड लग रहा है। ठंड से ना कुछ मैं बोल था चेंज हो जा बोलूं, नेक्स्ट लेवल की ठंड है गाइस। सो गाइस हम पहुंच चुके पार्टी वाली रोड पे। एंड गाइस मॉर्निंग टाइम पे ना गाड़ी उड़ी की उतनी जाम नहीं लगी हुई रहती है ना, सो आने में उतना दिक्कत नहीं हुआ। पूरा रोड खाली था, देख सकते हो पहाड़ की तरफ कितना सारा ओस गिर रहा है। ठंड की मौसम पूरा कोसा ही कोसा है। गाइस बने रहे वीडियो पे, करते वीडियो को कंटिन्यू। अभी जा रहे थे रिटर्न एंड गाइस मेरे को मिल गया हाईवे वाला रोड। फ्रेंड्स मैं ना एक बस्ती में घुस गया था, वहाँ पर ना रास्ता भटक गया था एंड अभी आ गए अपने रोड पे। सुबह सुबह हमें ना बहुत सारे ब्लॉकर भी देखने को मिले हाईवे वाली रोड पे। उस टाइम ना गाइस मेरा कैमरा ना बंद था एंड गाइस मैं ना अपने खाला घर गया था सुबह सुबह। ये कुछ बैग देख रहे होंगे, ये बैग मेरे खाला घर में था, इसमें मेरी सामान सब पड़ी हुई है। मैंने कुछ दिन के लिए अपने खाना था ना, तो वही बैग सारे सब अभी सुबह सुबह मैं लाने गया था। मेरे पीठ पर भी एक बैग है। ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं ना कहीं ना टूर पे निकला हुआ हूँ बैगों में लेकर। काफ़ी लेट हो चुकी है गाइस, मेरे को अभी ना काम में भी जाना है। थोड़ा ना सही लग रहा है, अभी ना सूरज मामा निकल गया है ना और धूप आ गई है, अब थोड़ी ठीक लग रही है। वरना मैं सुबह ना 6:30 बजे निकला था, उस टाइम पे ठंड लग रही थी गाइस, नेक्स्ट लेवल की ठंड थी गाइस। मैं ना ग्लव्स पहना हुआ हूँ, हेलमेट लगाया हुआ हूँ, बट फिर भी मेरे हाथ ना पूरा ना ठंडे से सूज गए थे। पूरा कान मेरा जो है ना गाइस पूरा मेरी तो आवाज़ चेंज हो गई थी, इतनी ठंड थी सुबह मॉर्निंग वाले टाइम पे। एंड अभी कुछ सुबह के 9 बजने वाली है एंड मेरा काम का भी टाइम हो गया है, मेरे को अभी काम में भी जाना है। बैग भी लेके निकला हुआ हूँ ना, टूरिस्ट वाली फील हो रही है यहाँ की ठंडा गाइस, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता नहीं लोग कैसे कश्मीर साइड रहते होंगे, नेक्स्ट लेवल की ठंड होगी वहाँ तो। मैं ना गाड़ी को ना दो तरफ से कंट्रोल करता हूँ, एक हैंडल से भी और एक फुटरेस्ट से भी। तो
मैं आपको दिखाता हूँ मैं फुटरेज से कैसा कंट्रोल करता हूँ गाड़ी को, तो देख सकते हो मेरा पैर कुछ इस तरह फुटरेज पर है। मैं ना अपने पैर की जो है ना बल से यानी ताकत लगा के मैं ना गाड़ी को ना उस तरफ ताकत लगाता हूँ ना, तो गाड़ी जो है कंट्रोल में रहती है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। जब मेरे को बहुत ज़्यादा कट मारना होता है ना तो मैं पैर के सहारे। सो मेरा कहने का मतलब है गाइस, मैं ना गाड़ी को ना पैर से भी कंट्रोल कर लेता हूँ, दोनों पैर को ना गाइस फुटरेस पर रख कर बैठ जाओ, कुछ पोजीशन इस तरह रहेगा आपका, और आपको जिस साइड जाना हो ना, अगर हैंडल अगर ज़्यादा नहीं मोड़ना है तो आप फुटरेस से दबा सकते हो, तो आपकी गाड़ी उस तरफ मूव होगी। सो मैं कुछ इसी तरह गाड़ी को पैर से भी कंट्रोल करता हूँ, एंड अगर आप लोगों को भी ट्राई करना हो तो गाइस कर सकते हो, बड़ी आसान तरीके से हो जाएगी। मैं निकला स्कूटी लेके एक मोड़ आया, सजन दिल छोड़ाया, यार ये क्या किसकी जाम लग गई इतनी यहाँ। स्कूल वाली टाइम हो गई है ना गाइस, सभी बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, इस वजह से जाम लग गई। यार मैं तो फंस गया, क्या होने वाला गाइस, कैसी लेट हो रही है यार, यहाँ पर मांगो में लगी हुई है जाम। गाइस कब तक क्लियर होगी ना जाम, क्या चीज़ की लग गई यार, खाली करो भाई, ट्रैफिक पुलिस नहीं है ना इतना सुबह सुबह, लोग अपने मन मर्जी के मुताबिक सब आना जाना लगा है ना, इस रीज़न से रोड बहुत जाम जा रही है। सो हम भाई क्या हो गया, क्या होगा, जाम तो बड़ी खतरनाक लगी हुई है, कब हुआ कैसे हुआ ये, कब हुआ कैसे हुआ, आज मैं चल गया काम पे। गाइस यहाँ से रोड पूरा क्लियर है, पता नहीं यार मानगो वाली गोल चक्कर इतना बड़ा होने के बावजूद भी जाम लग जा रही है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है ना गाइस, तो कोई मैंने तो लोग अपने मन मुताबिक कहीं से भी घुस जा रहे हैं, इस रीज़न से रोड वहाँ का गोल चक्कर ना पूरा जाम पड़ा था, एंड हम पहुँच चुके हैं मानगो। भाई अब मेरी सफ़र कंप्लीट होने वाली है, मैं पहुँचने वाला हूँ घर, एंड गाइस हमारी लद्दाख ट्रिप पूरी हो। तो अगर वीडियो अगर अच्छा होगा तो गाइस वीडियो को दबा के शेयर करो, एंड लाइक करो, कमेंट भी करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, लव यू ऑल, बाय बाय।